अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू ब्रॉड राजा चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मुहर्रम की छुट्टियां आ रही हैं, आशूरा की 17 और 16 और 17 की छुट्टी आ रही है, यानी कि 16 और 17 जुलाई मंगल और बुध बनेगा, उस दिन छुट्टी होगी। और पीर का दिन बीच में सैंडविच हो रहा है, उससे पहले सैटरडे संडे की छुट्टी है। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि शहर में इंतज़ामात क्या किए गए हैं। गुजर रहे हैं इस वक्त हम मुल्तान रोड से, मुल्तान रोड पर मैं आपको दिखाऊंगी कि कहां कहां पर अशूरा के मजालिस होंगी। और ये जो जगह है, ये समनाबाद का सिग्नल है, इसके सड़क के राइट साइड पर, यानी कि मेरे राइट साइड पर खैमा सादात, यहाँ भी मजालिस होती हैं। बीच में जो मंडे का डे सैंडविच हो रहा है, इस दिन ये जो जिस रोड से मैं गुजर रही हूँ, ये सारा रोड बंद होता है। तो ये ठोकर न्याज बेग से जुलूस निकलते हैं और ये जाते हैं स्टेशन तक, जो मेन इमामबाड़ा का है, वहाँ तक तो लोग पैदल जा रहे होते हैं। और मुकम्मल रोड मैप दिया जाता है, अखबार में रास्ते बताए जाते हैं कि किन रास्तों से जुलूस गुजरेगा, कौन से रास्ते बंद होंगे, कौन से रोड बंद होंगे। तो ये जो है ना, एक दिन दो दिन पहले ही तमाम न्यूज़ बता दी जाती हैं। सिक्योरिटी का मुकम्मल इंतज़ाम होता है सरकारी सतह पर। इंटरनेट सर्विसेज जो होती हैं वो बंद होती हैं, पार्शली बंद की जाती हैं। और जब ये वाइंड अप हो जाता है, यानी कि 11 मुहर्रम तक, फिर ये ओपन कर दी जाती हैं। इस दफ़ा सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस की न्यूज़ हैं, खबरों में काफ़ी ज़्यादा आ रहा है कि बहुत ज़्यादा एहतियात की जा रही है और पाबंदी लगाई जा रही है। जी, तो मैं बता रही थी कि इस रोड को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ से जो ट्रैफिक जानी होती है, वो सड़क के दूसरी पार चलाई जाती है, यानी कि दूसरी तरफ टू वे ट्रैफिक चलती है। और ये है कि रास्ते में सबीलें लगी हुई होती हैं और मुकम्मल सिक्योरिटी होती है, पुलिस होती है, और इवन के फ़र्स्ट एड एम्बुलेंसेस भी होती हैं। किसी किस्म की कोई खुदा ना खासा प्रॉब्लम हो जाए तो उस सूरत में ये खूबसूरत व्यू आ रहा है चबूर जी का। आपने नोट की होगी इस पूरे वीडियो में, सड़क पर पानी वगैरह नहीं है, हालांकि ये मुसलसल बारिशें हो रही हैं, तकरीबन डेली बारिश होती है, सड़क पे पानी नहीं है। सफाई का ख़ास ख्याल रखा जा रहा है। ये साइड पे आप रोड के देख सकते होंगे, ये लोडर और ये वासा की गाड़ियां खड़ी हुई हैं। जहाँ से सड़क टूटी फूटी थी, वहाँ पे इवन के रिपेयर भी कर दी गई है। इसकी आई विटनेस तो मैं खुद हूँ, क्योंकि मैं आगे जाके आपको दिखाती हूँ। जैन मंदिर के स्टॉप पर, वहाँ पर खैमा सादात है, उसके इर्द गिर्द जितनी भी सड़क टूटी फूटी थी, वो तमाम रिपेयर कर दी गई है। मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ। यहाँ से मैं लूँगी यू टर्न, ये है चबूची, जहाँ पर ये हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन वालों का ऑफिस है, और इस तरफ चबूर जी का एरोप्लेन भी खड़ा होता है, ये वो वाली जगह है। तो चूँकि हमने इधर सीधा नहीं जा सके, वहाँ पर बैरियर लगे हुए हैं, वहाँ से जाना मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। दूसरा रास्ता यही है कि हम बिल्कुल सीधा जा सकते थे, एमओ से राइट को टर्न ले सकते थे, लेकिन मैंने टाइम को बचत किया और मैंने यहाँ से टर्न ले लिया। सामने आपको यहाँ से कादसिया मस्जिद नज़र आएगी, ये टर्न लेते हैं हम। अखबार में खबर थी कि इस मौके पर काफ़ी ज़्यादा सख्त इंतज़ाम किए जाएंगे सिक्योरिटी के, तो देखते हैं कि क्या मामलात हैं। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला, कोई मसाइल हमें दरपेश नहीं होंगे। लेफ्ट साइड पर हमारे साथ साथ ऑरेंज लाइन ट्रेन का ट्रैक है, और ये ट्रैक हमको लेके जाएगा अनारकली स्टेशन पे। ये अंडरग्राउंड ट्रैक है, और इस तरफ राइट साइड पर डिपार्टमेंटल स्टोर अकबरी आएगा, तो ये
लोकेशन है जी, यहाँ पर है स्टोर, साथ में स्कूल है। जी व्यूअर्स, हम पहुँच चुके हैं जैन मंदिर के स्टॉप के करीब। लेफ्ट साइड पर हेलेक कॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस है, और ये राइट साइड पे आप देख रहे हैं ये एरिया जैन मंदिर, ये जो सामने मंदिर है इसकी बैक साइड पे ये जो सारा एरिया था इतना ज़्यादा डेकोर कर दिया गया है। LDA का एक प्रोजेक्ट था, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस थे गवर्नमेंट की तरफ से कि लाहौर को ब्यूटीफाई किया जाए, तो इस एरिए को इतना ज़्यादा सजा दिया गया है फूलों से और बहुत ज़्यादा ग्रीनरी सेट कर दी गई है। ये आ गया नारकली का स्टेशन, ऑरेंज लाइन ट्रेन का, ये लेफ्ट साइड पे आप ज़रा गौर कीजिएगा कि ये एरिया पहले कैसे होता था और अब किस कदर तब्दील कर दिया गया है। अब आप ज़रा रोड पर नज़र डालिएगा, जैसे मैंने पहले कहा था रोड पर जो पैचेस हैं रिपेयर के वो आपको नज़र आएंगे। तो यहाँ से मैं थोड़ी वीडियो बल्कि कार को ही स्लो करती हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से देख सकें। यहाँ पे ये देखें खारदार तारें और बैरियर्स रख दिए गए हैं ताकि टाइम पर इस्तेमाल किया जा सके। यहाँ मेरी लेफ्ट साइड पर यहाँ पर एक खैमा ज़ादात है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गैदरिंग होती है। और उम्मीद है आपकी मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि आपको लाहौर के इंतज़ाम दिखा सकूँ कि आशूरा के मौके पर हुकूमत की तरफ से और लोगों की तरफ से क्या क्या इंतज़ाम किए गए हैं।